घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? क्यों अजय देवगन और शाहरुख खान नहीं बन सके अच्छे दोस्त? कहां हो सकती है फिल्म की शूटिंग? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, फिल्मों में हीरो हीरोइन की जोड़ी, उनकी लव स्टोरी, रोमांस, उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिलता ही है, पर किसी फिल्म में दो भाइयों के बीच का गहरा नाता देखने को मिलना रेयर बात है। एग्जैक्टली यही प्यार हमें देखने को मिला फिल्म करण अर्जुन में, और खबर ये आ रही है कि इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है। साल 1995 की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने। फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की और किरदारों की भी काफी तारीफ हुई। फिल्म के मुख्य किरदार थे शाहरुख खान, सलमान खान, काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी गुलजार और अमरीश पुरी। फिल्म की कहानी में हमें देखने को मिला कि कैसे करण और अर्जुन के चाचा उसके पिता की हत्या करके सारी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और करण और अर्जुन को भी मार देते हैं। फिर उनका पुनर्जन्म होता है और आखिर में वे अपने बदले को अंजाम देते हैं। सीक्वल में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पर तो कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे इन दो बड़े स्टार्स ने भी इस पर कोई बातचीत नहीं की है। बात करें शूटिंग की, तो इस फिल्म की शूटिंग हुई थी राजस्थान में, जहां पर काफी अच्छा सेट लगाया गया था। अगर इस फिल्म की कहानी का पिछली कहानी से कोई कनेक्शन होगा तो जरूर फिल्म की शूटिंग राजस्थान में ही हो सकती है। उसके अलावा भी कई सीक्वेंसेस शूट करने के लिए फिल्म की टीम इंडिया के बाहर भी जा सकती है। शाहरुख और सलमान को एक साथ देखकर उनके फैंस काफी खुश होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा और ये एक साथ दिखेंगे, इसका इंतजार उनके फैंस कर रहे थे। वैसे इस फिल्म में भी उनकी यारी देखने को मिल सकती है और उनके लुक्स भी काफी हटके होने वाले हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि करण अर्जुन फिल्म के दौरान सलमान अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देते थे। उन्होंने वहीं के गेस्ट हाउस में अपना छोटा सा जिम भी बनाया था, पर शाहरुख उस वक्त सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहते थे, ना कि बॉडी पर। सलमान की इस बात की वजह से राकेश रोशन और पूरी टीम क्रू उनसे काफी इंप्रेस हुई थी और उनकी तारीफें भी कर रही थी। पर अब शायद मुकाबला बराबरी का होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो सलमान के साथ साथ SRK ने भी अपने सिक्स पैक एब्स बनाए हैं और अब वे भी शायद निकाल कर अपनी बॉडी दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। शायद उस वक्त की वह बात याद रखकर शाहरुख अपनी ख्वाहिश सीक्वल में पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वह भी सलमान से कम नहीं है। हालांकि सलमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, अगर सलमान की जगह अजय देवगन होते तो? हमारा मतलब है, करण अर्जुन के लिए पहले शाहरुख और अजय को ही चुना गया था। शाहरुख को करण का किरदार निभाना था, जिसके लिए राकेश रोशन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अजय को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। फिर शाहरुख ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले लिया, पर तब तक अजय इस फिल्म से पीछे हट चुके थे, क्योंकि वह कोई झगड़ा नहीं चाहते थे। पर एक दो दिन बाद शाहरुख फिल्म को लेकर काफी सीरियस हो गए और उन्होंने अपना किरदार निभाने के लिए हामी भर दी। पर इस चक्कर में अजय तो फिल्म से पीछे हट गए और उन्हें ये लगा कि शाहरुख ने ये सब जानबूझ कर किया है। इसकी वजह से अजय के पिता भी काफी नाराज हो चुके थे, क्योंकि वह भी उस वक्त करण अर्जुन फिल्म के लिए काम कर रहे थे। शायद इसी की वजह से अजय और शाहरुख एक साथ किसी भी फिल्म या किसी भी अवार्ड फंक्शन में नजर नहीं आते। पर देखिए ना, अजय की पत्नी काजोल शाहरुख की बेस्ट फ्रेंड है। खैर, फिल्मी दुनिया में ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। अब देखते हैं कि राकेश रोशन कब फिल्म से जुड़ी खास बातों को लेकर हमसे बातचीत करते हैं। आपके हिसाब से क्या शाहरुख अजय की जोड़ी दर्शकों को पसंद आती? बताएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक खुश रहें और सेफ रहें।